फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब मज़े में होंगे। हीरो 9 बंडल आज हमारे पास आ चुका है। थोड़ा लेट हो गया उसकी अनबॉक्सिंग में, बट फाइनली बंडल आज हमारे पास आ चुका है। GoPro यहाँ पर अपनी जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, जो इसकी स्पेशलिटी है वो है 5K रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम पर सेकंड पर। तो सबसे पहले केस की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ जो केस है वो कुछ हमें एक डिफरेंट टाइप का मिलेगा। यहाँ पर हमें मिलता है हमारे GoPro के लिए एक बैग। पहले एक प्लास्टिक का बॉक्स आया करता था जिसके अंदर GoPros आते थे, बट अभी पैकेजिंग बिल्कुल चेंज कर दी है। तो ये एक बंडल है। यहाँ एक बेसिक सी एक्सेसरीज़ होगी, मोड्स नहीं है, मोड्स अलग से बाय करने होंगे हमको। चले इसको अनबॉक्स करते हैं और बॉक्स के कंटेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट में बॉक्स के अंदर मुझे दिख रहा है एक माइक्रो SD कार्ड 64 GB का। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू इंस्टॉल और कुछ पीछे स्टिकर्स, काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं, थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं पहले से। सब्सक्राइब टू GoPro एंड एक प्रोडक्ट मैनुअल जिसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहकर भी GoPro को इग्नोर नहीं कर सकता। यहाँ मुझे एक डिस्प्ले दिख रहा है बड़ा सा, जो पहले नहीं हुआ करता था। एक छोटा सा डिस्प्ले हुआ करता था जिसमें हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता था। सबसे पहले हम एक्सेसरीज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमें USB चार्जिंग केबल मिलती है, USB टाइप A टू USB C, और एक माउंट, थंब स्क्रू और एक स्टिकी पैड। इस स्टिकी पैड की मदद से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी कार पर, हमारी बाइक पर, हेलमेट पर। और यहाँ पर दिख रही है मुझे एक बैटरी। बैटरी की साइज़ पहले से काफ़ी बड़ी कर दी गई है, 30% बैटरी बड़ी मिलेगी अपनों को यहाँ पर। तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा बैटरी बैकअप मिलने वाला है। और पहले की जो GoPro 8 जो था उसका बैटरी बैकअप थोड़ा कम था, बट यहाँ पर हमें एक बैटरी का एडवांटेज मिल रहा है। ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं इसमें। अब बात करते हैं मेन हमारे प्रोडक्ट GoPro की। तो काफ़ी हैवी है और डिस्प्ले भी पहले से थोड़ा बड़ा है। ये जो लेंस है डिटेचेबल लेंस है इसका, और यहाँ पर माइक्रोफोन है इसका। चलिए इसको रैप हटाते हैं इसकी। ये शटर बटन है इसका, यहाँ से इसको हम कमांड दे सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप फ़ोटोज़ के लिए। ये पावर बटन जो पहले से थोड़ा बड़ा कर दिया है। पहले के जो GoPro 8 था तो उसमें बटन छोटा था जिससे कि हमें काफ़ी दिक्कत आती थी, बटन जो है वो बड़ा मिल गया है। ये ड्रेन माइक्रोफोन है, जब हम इसको अंडर वाटर अगर यूज़ करते हैं तो जो माइक्रोफोन में पानी है वो यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। ये फोल्डिंग फिंगर्स हैं इसके, तो हमें अलग से माउंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ GoPros में आता था, जैसे 7 सिल्वर में नहीं था, 8 में ये फोल्डिंग फिंगर्स थे, तो हमें अलग से माउंट की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारी बैटरी लगेगी, यहाँ हमारा कार्ड लगेगा। चलिए बैटरी इसमें लगाते हैं। बैटरी लगाने का जो आसान तरीका वो है कि यहाँ पर हमें GoPro दिखना चाहिए और इस तरह से दोनों को इसमें डालना है। निकालने के लिए बहुत इजी है, यहाँ से इसको आप पकड़िए और इसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ कार्ड लगाते हैं। कार्ड लग चुका है हमारा, बैटरी लग चुकी है। अब इसको हम ऑन करते हैं। तो ये हमारा डिस्प्ले है, छोटा सा डिस्प्ले, जहाँ पहले हमें कुछ नहीं दिखता था। अभी पहले के जो ब्लॉगर्स थे उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी कि कुछ देख नहीं पाते थे। तो यहाँ पर आपको आप खुद को देख सकते हो, जिससे कि आप रिकॉर्डिंग करते वक्त अपने आप को देख पाएंगे और अच्छे से शूट कर पाएंगे। चलिए सेटअप करते हैं। सेटअप बहुत ईजी है। इंग्लिश एग्री ऑन। अभी एक GoPro का ऐप है वो मैं इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ऐप इंस्टॉल कर लिए हमने।
पहले का इसमें मेरा 7 है, अब यहाँ प्लस पे जाते हैं हम। ऑल ओवर अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो काफ़ी छोटे छोटे चेंजेस आपने को देखने को मिलेंगे। स्किप सेटअप कर सकते हो आप यहाँ पर, जो डेट है और टाइम जो है आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारा GoPro चल गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंस है ये डिटेचेबल है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो और इसकी जगह मैक्स लेंस मोड आता है जो अल्ट्रा वाइड फुटेज देगा आपको, वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। इसे हम वापस इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। ये इस तरह से वापस इंस्टॉल हो जाता है। टॉप फीचर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, फुली वाटरप्रूफ है, 33 फीट तक इसको हम अंडर वाटर ले जा सकते हैं, हाइपर स्मूथ का 3.0 वर्जन है, 8x स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं हम इससे, वॉइस कंट्रोल भी इसके अंदर है, आप कोई भी इसको वॉइस जो इसके अंदर कमांड्स इसकी हैं जैसे कि GoPro कैप्चर, तो इस तरह से काफ़ी सारे कमांड्स हैं इसके अंदर, उन्हें आप कमांड्स देकर भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, सुपर HDR फोटो, शेड्यूल कैप्चर, तो इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स, अपडेटेड फीचर्स इसके अंदर हैं। एंड आज की इंडस्ट्री में सबसे टॉप फीचर्स GoPro के अंदर हैं। GoPro एक ड्रीम कैमरा होता है। मैंने ये जो कैमरा लिया था ये USA से मंगवाया है, बट इसकी प्राइस अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो 42,000 के आसपास है अगर हम बंडल पैक लेते हैं तो। अब फटाफट से इसका एक कैमरा टेस्ट कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अब ये आप फुटेज GoPro 9 से देख रहे हो एंड माइक जो यूज़ कर रहा हूँ वो GoPro 9 का यूज़ कर रहा हूँ। ये जस्ट एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, रिव्यू वीडियो नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मेरा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। ये था मेरा GoPro 9 का वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।